जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा नाम जापक साधकों के लिए कुछ आवश्यक बातें। भाई जी कहते हैं, भगवान से कुछ भी न मांगो, यदि मांगो तो यही मांगो कि तुम्हारे चरणों में अविचल भक्ति हो जाए और तुम्हारे भक्तों का संग मिलता रहे। भगवान शंकर के निम्नलिखित प्रार्थना पर ध्यान दो कि बार बार वर मांग हूँ हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। यदि तुम गृहस्थ हो, बाल बच्चे वाले हो, तो तुम्हें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। घर ही में रहकर भगवान का दृढ़ विश्वास के साथ नियम पूर्वक भजन करते रहो। भगवान को सब जगह सब रूपों में देखो और उन्हें सबका हेतु जानकर उनसे प्रेम करो। यदि भगवान के प्यारे बनना चाहते हो तो निंदा और स्तुति को समान समझो। निंदा से रुष्ट मत होना और स्तुति से फूलना मत, और भगवान के चरणों को अपनी एकमात्र संपत्ति जानो। ऐसा करने से समस्त गुण अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएंगे और तुम आनंद रूप बन जाओगे। भगवान की माया अतिशय प्रबल है, वह ब्रह्मा शिव आदि को भी मोह में डाल देती है, फिर औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए माया के चक्कर से छूटना चाहते हो तो माया के स्वामी भगवान की शरण ग्रहण करो। भगवान को भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं, अतः मन वाणी शरीर से उन्हीं के चरणों में दृढ़ अनुराग करो। भगवान की भक्ति में सबका समान अधिकार है। जो कोई भी कपट छोड़कर सर्व भाव से उन्हें भजता है, वही भगवान का प्यारा बन जाता है। अतः तुम सब प्रकार से भगवान के शरण हो जाओ। जिससे तुम्हारा परम हित साधन होता हो, वह चाहे लोक दृष्टि में अत्यंत नीचा ही क्यों ना हो, उससे छल छोड़कर प्रेम करो। वेदों की यही आज्ञा है और संतों का भी यही मत है। याद रखो, सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति क्रमशः पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही कलयुग में भगवान के नाम से प्राप्त होती है। अतः इस कलयुग में नाम का आश्रय ही परम कल्याणकारक है। विश्वास करो, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं। इसमें केवल भगवान के गुणों का गान करने से ही मनुष्य अनायास भव सागर से तर जाता है। इसमें केवल भगवान के गुणों का गान करने से ही मनुष्य अनायास भव सागर से तर जाता है। भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इस प्रकार के स्वामी सेवक भाव बिना संसार सागर के पार जाना, अत्यंत कठिन है। अतः भगवान को अपना स्वामी मानकर उनके चरणों का भजन करो। यदि भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहते हो अथवा जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हो तो उनके दिव्य चरित्रों का आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो कि जिस प्रकार कामी पुरुष को कामिनी प्यारी होती है और लोभी को धन प्यारा लगता है, उसी प्रकार से वे तुम्हें निरंतर प्यारे लगें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। जय श्री राधे।